हर सेशन में कुछ ना कुछ लर्न करके जाना है आपने। कल के सेशन में आपने ये लर्न किया कि टोटल हमारे इतने चैप्टर होते हैं, ये इनके टाइटल्स हैं, और ये टाइटल्स भी स्टूडेंट्स आपको याद होने शुरू हो जाते हैं। और आपको जब पेपर ओपन किया जाता है ना, आप फर फर मुझे बताते हो, सर ये डाटा ट्रांसमिशन चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, ये हार्डवेयर के चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर के चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। कल हमारे कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे ना, सर ये हार्डवेयर के चैप्टर से क्वेश्चन, ये सॉफ्टवेयर से है। कैसे पता चल गया उनको? जब उन्होंने हर टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, समझा है, तो उनको याद हो गया कि फलां चैप्टर से क्वेश्चन आपको दे रहा है। तो इसका मतलब है आपके जो 10 क्वेश्चन बनते हैं तकरीबन, वो 6 चैप्टर में से आपको तरतीब में ये आपको मिलेंगे। और कुछ चैप्टर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो दो चैप्टर को मिला के बना दे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक हो सकता है कॉमन क्वेश्चन वो बना दे, ए बी पार्ट हार्डवेयर के ले ले, सी डी पार्ट आपका सॉफ्टवेयर में से ले ले, तो मुश्किल आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। जहां तक हम चैप्टर, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द 5वां और 6वां चैप्टर, ये तो बड़ा एक आजकल के दौर में हर स्टूडेंट को पता होता है कि रोबोटिक्स और एआई नाम बड़ा सुना हुआ है आपने, इस चैप्टर में आपको बेसिक अवेयरनेस मिल जाएगी। ओ लेवल के स्टूडेंट को इतना पता चल जाएगा कि व्हाट इज ए रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ऑटोमेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, कौन कौन सी हैं, किस किस फील्ड में यूज होती हैं, एग्रीकल्चर में कौन सी हैं, मेडिकल साइंस में कौन सी हैं, ये आपकी डिजाइनिंग में कौन सी हैं। तो ये डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज की आपको भरमार नजर आती है, ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये है चैप्टर नंबर 6। इसको स्टोरी की तरह समझ लेना, जैसा कहानी नहीं पढ़ते बच्चे और याद कर लेते हैं, फर फर फिर उसको जेन में बिठा लेते हैं, इसको इस तरह आपने अगर लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको हर चैप्टर को कवर करने में। अभी हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये है वो चैप्टर इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। नाम से जाहिर है इंटरनेट आजकल के दौर में सबकी जरूरत है, और उसके क्या क्या यूज है, कुछ यूजेस अगर मैं हफ्सा से पूछूंगा शायद एक दो ये भी बता दें, मिस्टर कासिम अब्दुल्ला से पूछूंगा ये भी कोई ना कोई यूज बता ही देगा, लेकिन हमने देखना ये है कि बुक के अंदर इससे रेलेवेंट किस चीज के बारे में हमें नॉलेज पास की जा रही है, और उस नॉलेज को हमने अपने क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट करना जो आपके पेपर में आएंगे। अगर वो आप करना शुरू कर दो अटेम्प्ट और सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी के साथ, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 द इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। 3 मेन सेगमेंट्स हैं स्टूडेंट्स इसमें, द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंडर डिफरेंसेस आपसे डिस्कस किए जाएंगे बिटवीन इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब WWW। व्हाट इज मेंट बाय URL? देन द पर्पस ऑफ HTTP प्रोटोकॉल एंड HTTPS प्रोटोकॉल, डिफरेंस इज ओनली सिक्योरिटी, इसको डिस्कस करेंगे। फिर क्या फंक्शन होता है ब्राउजर का, चाहे वो आपका गूगल क्रोम हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, एनी ब्राउजर, क्या फंक्शन एंड पर्पस है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वेब पेजेस आर लोकेटेड, रिट्रीव्ड एंड डिस्प्लेड। एज ए यूजर अगर आप कोई सी वेब पेज की रिक्वेस्ट पुट करते हो ब्राउजर में, तो कहाँ वो लोकेट होता है, किस सर्वर पे लोकेट होता है, किस तरह रिट्रीव करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। देन अगर आप किसी भी ब्राउजर को यूज कर रहे हो, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट एंटिटी आती है, कुकीज। कुकीज क्या होता है, जिसके अंदर जब कभी आप अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होते हो, सेशन बिल्ड होता है बिटवीन योर ब्राउजर एंड वेब सर्वर, तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कुकीज का। नेक्स्ट सेशन जब आप इन केस ऑफ एनी डिसकनेक्टिविटी अगर दोबारा से आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो बिटवीन योर ब्राउजर एंड सर्वर, तो किस तरह कुकीज, जो कि स्मॉल काइंड ऑफ फाइल होती है, और इसमें क्या स्टोर होता है, किस तरह आपको दोबारा से आपका लिंक स्टैब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुकीज। दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 1, इंटरनेट एंड द वेब।
www. सेकंड, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है इस एडिशन के अंदर, डिजिटल करेंसी। आजकल के दौर में डिजिटल करेंसी जो कि ट्रेडिशनल मेथड होता है बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें कोई आप फिजिकल करेंसी के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को कमिट करते हो बैंक्स के थ्रू, वहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिजिटल करेंसीज का रोल वहां पे अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिकल जो ट्रेडिशनल मेथड होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का, उसे हट के थोड़ा सा डिजिटल करेंसी का एक वर्जन अवेलेबल है, जिसके थ्रू अगर आप बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कमिट करना चाह रहे हो तो डिजिटल करेंसी की भी बहुत सारी कंट्रीज में ये आपके पास एक वे होता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सको। और इसमें सारा एक प्रोसेस होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा ब्लॉक चेनिंग का, वो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि ब्लॉक चेनिंग का मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज यूज टू ट्रैक डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन्स, और आप या आपकी कंपनी जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करती है और बिजनेस करती है यूजिंग डिजिटल करेंसी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है और प्रोसेस कैसे होता है ब्लॉक चेनिंग का, ये इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब इंटरनेट के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हो, आप डिफरेंट सर्विसेज ले रहे होते हो और डिफरेंट सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हो, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये असल में थ्रेट होता है जो कि एज ए यूजर मुझे या आपको, जब कभी इंटरनेट के ऊपर आप बिजनेस कर रहे होते हो, तो एक थ्रेट जो कि इस थ्रेट को किस तरह आप जो है रिस्क को या थ्रेट को कम कैसे कर सकते हो, किस तरह ऐसा सॉल्यूशन आप दे सकते हो जिससे आपका डेटा जो है वो सेफ ट्रांसमिट हो सके फ्रॉम सेंडर टूवर्ड रिसीवर, रिसीवर टूवर्ड सेंडर, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं वो बताए जाएंगे, सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन से हैं, असल में सिक्योरिटी थ्रेट कौन कौन से हैं, इसमें वो डिस्कस किए जाएंगे और उनका सोल्यूशन किसी ना किसी हद तक वो वे आपको बताया जाएगा जिससे आप मोर सिक्योर मीन्स के थ्रू आप अपने जो डेटे को, अपनी ट्रांजैक्शन को मोर सिक्योर कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट जो मेजर्स आप जो ले सकते हो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, थ्रेट्स कौन कौन से हैं और उन थ्रेट्स को किस तरह, रिस्क को किस तरह कम कर सकते हो, एलिमिनेट अगर नहीं भी हो रहा तो कम कैसे किया जा सकता है, इस टॉपिक में डिस्कस किया जाने वाले। सबसे पहले एक इन्वेंशन के तौर पे इंटरनेट आपको पता है जो 12th century में, ये इन्वेंशन ऑफ सॉरी 20th century में ये आपकी जो है वो इन्वेंशन सामने आई और इसने आपके वर्ल्ड के अंदर जो वर्क करने का मैकेनिज्म है, कम्युनिकेट करने का जो सिलसिला है वो टोटली चेंज कर दिया। और ये एज ए सोर्स के तौर पे, गुड सोर्स के तौर पे अवेलेबल है, लेकिन जैसे ये आपके पास एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसी तरह जो हैकर्स हैं, जो इंट्रूडर्स हैं, जो क्राइम कमिट करने वाले हैं, उनको भी एक वे प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह आप डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए ये क्राइम कमिट किया जा सकता है। इसे वाइट कॉलर क्राइम भी हम बोलते हैं और आजकल के दौर में ये बहुत बिग काइंड ऑफ थ्रेट है जो वेरी वेरी डिवास्टेटिंग हो सकता है, जिस तरह एक फिजिकल क्राइम के थ्रू नुकसान हो सकता है, इसी तरह इसका भी आपको लॉस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने इसमें प्रॉपर मेजर्स ना लिए जाएं सिक्योरिटी के, रिस्क को देखा जाए और इसको किस तरह कम किया जा सकता है, वो कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये आपको जो है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू वो जो क्राइम्स हो रहे हैं किस तरह उसको लेस कर सकते हैं। अब असल में स्टूडेंट को ना जो कन्फ्यूजन होती है वो इंटरनेट और www में होती है, वो आमतौर पे इसको सेम ही समझ लेते हैं एंटिटी, जब ये दोनों डिफरेंट हैं।
क्या डिफरेंस है इंटरनेट में और WWW में? नेटवर्क और नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। और ये आपकी वर्ल्ड वाइड जितने नेटवर्क्स हैं आपस में अगर इंटरकनेक्टेड हो और हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो तो इसे हम इंटरनेट बोलेंगे, जहां हर डिवाइस वर्ल्ड की किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकती है। और उसमें फिजिकली मीडियम क्या होगा, वायर्ड मीडियम या वायरलेस क्या होगा, वो एक अलग से सेपरेट चैप्टर है। इंटरनेट इज एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट, वो बोला टेंजेबल मटेरियल कोई नहीं है, और ये असल में ये रिलाइज ऑन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री टू कंट्री रीजन टू रीजन ये डिपेंड करता है। जो डेवलप कंट्रीज हैं अमेरिका जैसे, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपकी जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बेहतर है एज कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, जहाँ तक WWW है, ये क्या है? ये ब्राउजिंग करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, ये पार्ट ऑफ द इंटरनेट है जिसमें यूजर ब्राउज कर सकता है किसी भी ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ले ले, गूगल क्रोम ले ले, फायरफॉक्स ले ले, माइक्रोसॉफ्ट एज ले ले, कोई भी ब्राउजिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अगर वो इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू किसी भी डिवाइस के ऊपर से डेटा, जो कि इसको सर्वर भी हो सकता है और मैं या आप भी हो सकते हैं, उसको डेटा को पास ऑन करना चाह रहा है, तो उसमें ब्राउजर के ऊपर जब आप जाते हो तो ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर क्या होता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये गूगल क्रोम आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को, किसी ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहो या अपलोड करना चाहो, तो उसमें ये आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ये एक्सेस करने के लिए एज ए यूजर, मुझे या आपको ब्राउजर को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर को, आप इसको यूज करते हुए आप डिफरेंट फाइल्स को, फोल्डर्स को, एप्स को डाउनलोड कर सकते हो। और असल में होता क्या है, ये WWW कंसिस्ट ऑफ मैसिव कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये मैसिव कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं। अब जैसा CNN की वेबसाइट है या जियो न्यूज की वेबसाइट है, नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें, या ICT ट्रेनिंग की वेबसाइट है, एक पेज थोड़ी है, काफी सारे पेजेस हैं। जब क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज ओपन, कॉन्टेक्ट अस का पेज अपना बना हुआ है, अबाउट अस का अपना बना हुआ है, कोर्सेज का पेज अपना बना हुआ है, इंट्रो का पेज अपना बना हुआ है। तो ये असल में क्या है, आप WWW असल में कंसिस्ट ऑफ क्या है, मैसिव कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, एंड इट इज बेस्ड ऑन, और जिस प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसको लोड करते हो अपने ब्राउजर के अंदर, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर होता है, एक नॉन सिक्योर होता है। ये पेपर में भी आ जाता है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेट एंड WWW। तो इनमें से जो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो याद कर लेना। मैं तो ये चाहूंगा कि आप ये चार पॉइंट लिखे हुए चारों आने चाहिए। डिफरेंस नंबर वन, डिफरेंस नंबर टू, डिफरेंस नंबर थ्री, डिफरेंस नंबर फोर, ये चार डिफरेंसेस आपको बताए गए, हेडिंग्स दोनों तरफ लिख दी गई। ये असल में अगर इनको पढ़ लो या ऊपर ये डिटेल पढ़ लो, उसी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है डाटा। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए हफ्सा के क्या यूज है इंटरनेट का, आपको सर मैं इसलिए अपनी ईमेल सेंड रिसीव करती हूँ, कैसा है करते हो ना, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये पॉइंट लिखने में कोई किसी को मसला है, इंटरनेट के ऊपर एक पॉइंट ये लिख सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट, इंटरनेट के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, तो आप कहोगे सर मैं इसके ऊपर चैटिंग करते हैं हम लोग ऑनलाइन अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, ऑडियोज एंड वीडियोज भी हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। आपने देखा होगा आप स्काइप के ऊपर होते हो, ट्विटर के ऊपर होते हो, क्या ऐसा हो नहीं रहा इंटरनेट के ऊपर, यही तो आप काम कर रहे हो।
पॉइंट इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, ओके पॉइंट। थर्ड, इसमें एक और चीज जो याद करने वाली है, आप जब भी अपनी डिवाइस, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल डिवाइस हो, चाहे टैबलेट हो, आपने उसमें एक चीज गौर की होगी, जब कभी आप इंटरनेट पे होते हो, आपकी उस डिवाइस का एक आईपी होता है। क्या होता है? आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो ट्रांसमिशन होती है उसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इस्तेमाल करता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी में डिवाइस टू डिवाइस। यहाँ पे एक दोस्त आपका बैठा हुआ है, एक बड़ा बैठा हुआ है आपका टोरंटो में, एक है दुबई में, तो आप आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो? क्या डिवाइस आपस में कनेक्टेड है? क्या आपकी डिवाइस से लेके वहां तक तो कोई वायर लगी हुई है जिससे आप उनके साथ कम्युनिकेट? ये पॉसिबल नहीं है। इतनी लंबी वायर आपकी मशीन और उसकी मशीन के दरमियान में लगा दें, ना वायरलेस का कोई कनेक्शन ऐसा है कि इसकी वाईफाई उसके वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। हाँ, घर की हद तक वाईफाई कनेक्शन हो जाता है, लिमिटेड बाउंड्री में वाईफाई कनेक्शन हो जाता है, लेकिन आप कहोगे सर ये इतनी 1000 माइल के ऊपर हम डिवाइसेस कैसे कनेक्ट कर रहे हो? इसके अंदर आपके उस कंट्री के आपके ISP इन्वॉल्व होते हैं। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप घर पे हो, आप ऑफिस में हो, आप वतीन का कनेक्शन लेते हो, आप PTCL का कनेक्शन लेते हो, उनसे आप मंथली उनको चार्जेस पे कर रहे हो, तो वो आपको क्या देते हैं? आप उसके अगेंस्ट आपको क्या देते हैं? कनेक्टिविटी देते हैं। और आपको क्या मिलता है? आपके ISP की तरफ से एक IP मिलता है। अगर आप IP जानना चाह रहे हो अपने डिवाइस का, तो ये इस तरह भी जान सकते। ये देखिए गूगल, वट इज ये माई IP? और ये चीज याद रखना, ये अगर आप गूगल करोगे ना घर पे, एड्रेस कुछ और होगा। कासिम कह रहे हैं कि अपने घर पे एड्रेस कुछ और होगा, यहां पे मैं कर रहा हूं ये एड्रेस कुछ और होगा, ये एड्रेस आप। ये IP एड्रेस, ये इस तरह समझ लो जिस तरह ये कॉलेज है, इसका कोई एड्रेस है कि नहीं है? एड्रेस क्या है? एड्रेस है इसका जोहर टाउन, ब्लॉक नंबर J, स्ट्रीट नंबर ये, लाहौर, पाकिस्तान। अगर आप किसी को एड्रेस बताते हो बाहर किसी कंट्री के बंदे को, आप ये बताओगे ना कि आप इस वक्त किस एकेडमी में मौजूद हो, इसका एड्रेस तो बताओ। आपको ICC ट्रेनिंग है, ये तो उसका लोकेशन का नाम है, उस घर का नाम है, वो कहाँ पे है? वो 304 जो है उसका हाउस नंबर है, 303 साल वाला है, 302 से साथ वाला है। अच्छा, ये किधर है? ये जौहर टाउन में है। जौहर टाउन में कहाँ पे है? जे ब्लॉक में है। आप ये कहते हैं जे ब्लॉक। फिर ये किधर है? क्या ये फैसलाबाद में है? आगे ये भी तो बताना पड़ेगा, वहां पे भी तो हो सकता है ये जे ब्लॉक हो, वहां पे भी हो सकता है जौहर टाउन का इलाका हो, वहां पे भी हो सकता है उसका होम का एड्रेस 303 हो। तो आपको इसके साथ क्या कनेक्ट करना पड़ता है? सिटी। फिर ही वाजे होगा ना किस सिटी की बात हो रही है, फैसलाबाद की हो रही है, हैदराबाद की हो रही है, कराची की हो रही है, इस्लामाबाद की हो रही है। फिर सिटी के साथ आपको ये बताना पड़ता है, अब देखो लाहौर हो सकता है, लाहौर जो है वो एक सिटी किसी और कंट्री में भी हो, किसी और इलाके के नाम भी लाहौर हो, तो आपको सिटी के साथ फिर बताना पड़ता है पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर हायरार्की आपको बतानी पड़ती है। अगर आपको यहां तक किसी को पहुंचना है तो आपको पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। इसी तरह समझ लो ये आपका IP है। IP में ये आपका कंट्री समझ लो, ये उसके अंदर सिटी समझ लो, ये उसका इलाका समझ लो, ये उसका होम एड्रेस समझ लो। ये डॉट के साथ सेपरेट होता है, चार इसके पार्ट्स होते हैं। ये IP कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। बेसिक सा फर्क है, इसकी डिटेल अभी एक चैप्टर में आएंगी, डोंट वरी। अगर आपसे अभी मैं IP वर्जन 4 को डिस्कस करूंगा तो गलत हो जाएगा, तो मैं अभी आपको ये नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपका एक डिवाइस जो आपके इंटरनेट पे कनेक्टेड होती है, ISP एक IP देता है। ये IP अगर स्टूडेंट्स याद रखना, मेरे इस डिवाइस का यहाँ पे ये IP है, अगर ये डिवाइस मैं उठा के चला जाता हूँ मॉडल टाउन में अपने घर पे ऑन करता हूँ, वहां पे मेरा PTCL, यहाँ वतीन का कनेक्शन है, वहां PTCL का कनेक्शन है,
जैसे मैं वहां पे ऑन करूंगा मेरी मॉडेम डिवाइस के साथ, मेरी वाईफाई कनेक्शन के साथ, जैसे मेरी मशीन ऑन होगी सिग्नल आ जाएंगे, तो मैं चेक करूंगा मेरा आईपी ये नहीं होगा, ये पब्लिक आईपी, ये आईपी हर लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। और यही मैं लैपटॉप उठा के दुबई चला जाऊं, दुबई में अपने ऑफिस में जाके बैठ जाऊं, वहां पे मेरा आईएसपी है इतिसलात, उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा, उनको मैं चार्जेस पे करूंगा मंथली बेस पे। वहां पे जब मैं ये कहूंगा ना मेरा आईपी क्या है, ये आईपी नहीं होगा, वहां पे आईपी डिफरेंट नजर आएगा। तो आईपी का मतलब क्या है, लोकेशन टू लोकेशन, जिस लोकेशन जिस रीजन में होते हो वहां पे जिनकी सर्विस यूज करते हो वो एक आईपी आपको दे देता है, और वो आईपी मिलने का मतलब क्या होता है कि आपकी डिवाइस इंटरनेट पे आ गई है, और आपकी डिवाइस वर्ल्ड में किसी भी जगह पे आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, फाइलें देनी हो, फाइलें लेनी हो, ऑडियोज वीडियोज शेयर करना हो, कुछ भी एनीथिंग कर सकते हो। लेकिन जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा होगा ये पॉसिबल नहीं। आपने देखा बातों का इंटरनेट नहीं आ रहा होता, डिस्कनेक्ट होता है हमारा सिस्टम, हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, आईपी, टीसीपी आईपी, ये पूरा आपका एक प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन के लिए और आईपी डिवाइस का लोकेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट के अंदर, ये आपको जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी टीसीपी आईपी की, आपको इंटरनेट का जो डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट नहीं होती। नंबर फोर, अगर आपको कहो जो इंटरनेट होता क्या है, आपको सर ये नेटवर्क होता है, ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे डिवाइसेस पड़ेंगे, एक है, दो है, तीन है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या ये लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इस बिल्डिंग में ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। एक सामने सिटी स्कूल भी है, उनका भी अपना नेटवर्क है, यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक एम्पोरियम मॉल है, वहां पर नेटवर्क है, वहां भी कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसी तरह ये कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है यूएई, वहां पे भी एक बिल्डिंग है, वहां पे भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक कंपनी का अपना लगा हुआ है। तो ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क को अगर आपस में आप कनेक्ट कर दो, यहाँ पे इसका अपना आईएसपी होगा, यहाँ पे इनका अपना आईएसपी होगा, ये इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू सैटेलाइट हो रहे हैं या थ्रू मीडियम्स हो रहे हैं। और इसमें ये सिर्फ दो ही पोल, मैं सिर्फ जस्ट आपको एक सिंबल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कोई आपस में लिंक होंगे, यहाँ पे और भी बेशुमार राउटर्स लगे होंगे, जो आपको राउटर्स लगे होते हैं, राउटर्स आपको राउट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब आप डाटा सेंड या रिसीव करते हो। तो ये जब आपका ये वे ये भी ले सकता है यहाँ तक पहुंचने का, ये वे ये भी ले सकता है यहाँ तक पहुंचने का, ये भी ले सकता है यहां तक पहुंचने का। अल्टीमेटली होगा क्या, एक वर्ल्ड की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। बीच में क्या होंगे, राउटर्स होंगे, बीच में क्या होंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो ये आपको पूरे जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, एक बिल्डिंग के दूसरी दूसरी के तीसरी, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो असल में अगर आप इंटरनेट के बारे में सिंपल वर्ड में बताना चाहो तो ये होती क्या है, कलेक्शन होती है किस चीज की, तमाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड की हद तक, नॉट सिटी, नॉट जोहर टाउन, नॉट ओनली लाहौर सिटी, नॉट ओनली कंट्री पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड की इसी तरह नेटवर्क आपस में पूरा जाल है ये, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इंटरनेट के बारे में फ्यू लाइंस में डिस्क्राइब करने को कह दे, और अगर आपको ये कह दे कि यार डिफरेंस बताओ दोनों का, www क्या इंटरनेट है या इंटरनेट क्या www है, तो आप ये चार लाइनें आपने याद कर ली, कौन सी आसान लगती है याद करनी, आसान है। सबसे आखिरी पॉइंट को मुश्किल है क्या, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ये इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, ये मेरे ख्याल में बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन है इंटरनेट की, क्या क्या ये, बाय। हाँ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, ठीक है।
और ऊपर वाला ये इसका थोड़ा सा यूजेज बताया है, सेंड एंड रिसीव मेल्स हो रही हैं, चैटिंग वैटिंग हो रही है, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटोकॉल्स TCP/IP। और IP क्या होता है? आपका उस डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस, जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जब जाओगे चेंज हो जाता है। अच्छा, एक होता है IP, एक होता है MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया MAC एड्रेस हर डिवाइस का फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। IP लोकेशन टू लोकेशन, भाई यहां पे मैं इत्तेसलात की सर्विस यूज कर रहा हूं, IP उसका होगा। वतीन का यूज कर रहा हूं, IP उसका होगा। मैं किसी और जगह बैठ जाता हूँ, जिस कंपनी की सर्विस यूज कर रहा है, IP वो देगा। तो IP तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक और चीज भी होती है, वो होता है इसका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता, हर डिवाइस का एक अपना फिक्स परमानेंट मैक एड्रेस होता है। दो एड्रेसेस याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि सर मेरा लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है या मेरा ये डेस्कटॉप है, इसके कितने एड्रेसेस हो सकते हैं, आपको ये कहने में कोई हर्ज वाली बात नहीं सर, कि आप कहोगे सर मेरी डिवाइस के दो एड्रेसेस हैं, एक है लॉजिकल एड्रेस, एक है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब जो डिपेंड करता है लोकेशन डिवाइस, एक लोकेशन पे कुछ होगा, दूसरी लोकेशन पे कुछ होगा, तीसरी लोकेशन पे ISP के ऊपर जब कनेक्ट होगे तो लाजमत IP भी बदल जाएगा, लेकिन दूसरा एड्रेस नहीं बदलता। उस एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस। वो आपका पूरे वर्ल्ड में आपकी डिवाइस पे जो मैक वैल्यू है, वर्ल्ड में किसी और डिवाइस का मैक वैल्यू नहीं होगी, वो यूनिक होती ऑल ओवर द ग्लोब। समझ आ रही है? दो एड्रेसेस याद रहेंगे कौन कौन से, एक IP एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस, दूसरा फिजिकल एड्रेस। अच्छा, जहां तक बात है, क्वेश्चन था आपका क्या है? इंटरकनेक्टेड किसमें इंटरकनेक्टेड ये है कि आपस में कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। ये मैं कहूँ कि यहाँ पे सारे हमारे जितने लैपटॉप्स लगे हुए हैं, मोबाइल डिवाइसेस लगी हुई हैं, डेस्कटॉप लगे हैं, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है? आपस में कनेक्टेड है, इसे इंटरकनेक्टेड बोलते हैं। और यहाँ पर अगर इंटरकनेक्टेड है, सामने बिल्डिंग में वहां पर भी नेटवर्क लगा, वहां पर इंटरकनेक्टेड है, तो ये कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस का है। इस सेंस में इस तरह इस टॉपिक को कवर करो, ठीक है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। अच्छा, अब आपसे स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे कि ये WWW क्या होता है, बड़ा फेमस टर्म है जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, असल में ये भी कलेक्शन है, लेकिन ये किस चीज की कलेक्शन है? ये असल में कलेक्शन है नेटवर्क्स की, जबकि ये कलेक्शन किस चीज की है? पेजेस की। और पेजेस में कौन से पेजेस? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही होती हैं आपस में जो कनेक्टेड होती हैं, शेयर होती हैं? नो। यूट्यूब क्या है? वीडियोस हैं, आपको मिल नहीं रही क्या? तो याद रखना WWW असल में है क्या? कलेक्शन ऑफ, अगर आप इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन के साथ कंपेयर करो, ये असल में आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स को या डिवाइसेस को हम इंटरनेट बोलते हैं, जबकि उधर आपको इसका क्लियर एक डिफरेंस समझ आ रहा है। ये क्या है? WWW कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मेरी कंपनी का भी एक वेब पेज है, कल को माशाल्लाह आप लोगों ने भी काम करना है, कहीं ज्वाइन करना, उस कंपनी का भी वेब पेज है। अफसा किसी कंपनी में जाती है, अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, अपना वेब पेज बनाती है, इनका भी अपना वेब पेज है। और उस वेब पेज के ऊपर कंटेंट जो होगा वो ऑडियो भी हो सकती है, तो वीडियोज भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है वेबसाइट पे, यही चीजें होती हैं। तो मल्टीमीडिया वेब पेजेस हो सकते हैं, और एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट जो भी आपकी रेलेवेंट होती है उस बिजनेस के। तो असल में अगर आपको कहा जाए कि यार एक मेजर डिफरेंस तो बताओ बिटवीन इंटरनेट एंड WWW, यहां में ये दो पॉइंट बड़े वैलिड हैं। एग्जैक्टली WWW को डिफाइन कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली इंटरनेट को डिफाइन कर रहे हैं। अब आप कभी किसी स्टूडेंट को, किसी अपने क्लास फेलो को अगर वो पूछ ले कि क्या डिफरेंस है WWW इंटरनेट में, जस्ट आपको चेक करने के लिए, आप ये दो लाइनें बोल देना और इसको एक्सप्लेन कर देना, दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है। क्या ऐसा ही लग रहा है? दो लाइनों में सारी बात ही खत्म हो गई?
ये डिफरेंस है, ठीक है। बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन हैं आगे कि वो जी रिसीव और सेंड करने के लिए होता है, चैटिंग वैटिंग करते हैं, टीसीपी आईपी, उसमें आईपी वगैरह एड्रेस होता है, इधर से कुछ और लिखना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर टू में, पॉइंट नंबर टू में उसने ये कहा कि अगर आपने किसी वेबसाइट को आपने अगर देखना है तो एक प्रोटोकॉल आपको बड़ा हेल्प करता है। और जो वेबसाइट्स आमतौर पे बनती है ना, वो किस लैंग्वेज में बनती है? HTML, बड़ा फेमस नेम है। आजकल ना हमारे पास कोर्सेज करने आते हैं, वो आगे पूछते हैं हमसे स्टूडेंट, सर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो क्या करूं? उनको सबसे पहले हम HTML करवाते हैं डेवलप करने के लिए ना, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आमतौर पे जो बिल्कुल बिगिनर होता है ना, जिसने फर्स्ट स्टेप लेना है इस फील्ड में, डेवलपर बनना है, वेबसाइट डेवलप करनी है, किसी कंपनी की वेबसाइट डेवलप करनी है या अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बच्चों सबसे पहले हम उसको जो सिखाते हैं वो HTML सिखाते हैं। और HTML में हम क्या सिखाते हैं? पेज बनाना सिखाते हैं, पेज बनता है। और यही इसमें लिखा, अच्छा उसको ओपन जब करते हैं और उसको जब राइट करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, HTTP क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन अगले पैराग्राफ में आ रही है, डोंट वरी। HTTP वर्सेस HTTPS ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा बात सुन लो। HTTP इज ए प्रोटोकॉल, आर रिटर्न, ये किस में रिटर्न होती है? यूजिंग HTML, जो वेब पेज बनता है उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? HTML। और उसको अगर आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, वेबसाइट आप क्या समझते हो कि ऊपर वाले फ्लोर पे पड़ी हुई है अमेजोन की, इसका कंटेंट किधर पड़ा हुआ है? वो पता नहीं, अमेरिका में एक सर्वर है, उस सर्वर पे उन्होंने वेबसाइट बना के उस कंपनी ने वहां पे होस्ट करवाई दी। अब हमारी एक वेबसाइट अपनी भी ICT ट्रेनिंग, ये एक वेबसाइट है, हर कंपनी की होती है, हमारी भी है। अब ये क्या मतलब, ये वाली वेबसाइट ऊपर के फ्लोर पे हमने होस्ट की हुई है? नो, ये किसी सर्वर में है, वर्ल्ड में कोई सर्वर पड़ा हुआ है, वहां पे ये आईपी, वहां पे इसकी वेबसाइट के कंटेंट पड़े हैं, ये जो वहां से लेके आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है उसके कंटेंट, ठीक है। तो और ये सारा का सारा इसमें मेजॉरिटी जो इसमें HTML का इंप्लीमेंटेशन इसमें भी होगी कोडिंग करने के लिए। और इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, ये अगर आपको सिंपल नजर आ रहा है ना ये लॉक, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, HTTPS है, HTTPS है, मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। और इसमें याद रखना, अगर तो आपका प्रोटोकॉल यहाँ पे HTTP है तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, हैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसको, ठीक है। यहां तक कि आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो और आप एक यहाँ पे सर्विस लेना चाह रहे हो, हमारे कोर्स में एनरोलमेंट करना चाह रहे हो, हमें फीस पे करना चाह रहे हो ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे दो मिनट के लिए जरा सोचोगे कि वेबसाइट सिक्योर भी है क्या, मैं इस वेबसाइट को इतना सिक्योर समझू कि यहाँ पे मैं अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, अपना नाम, अपने कॉन्टेक्ट दे दूं? नो, सिर्फ एक चीज आपको रोकेगी, क्या, कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? इस लॉक से, ये लॉक है तो प्रोटोकॉल इज HTTPS, अगर यह लॉक नहीं है तो इसका मतलब इन लोगों ने कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। आप यहां पे घबराओगे, इसलिए घबराओगे कि अगर आपने फीस को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आप इस वेबसाइट पे जाके पेमेंट नहीं करोगे, आप फोन करोगे सर आपकी तो वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है, मैं कैसे अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे टाइप कर दूं? आप कभी भी नहीं करोगे। अर्ली डेज में ये जो आपके क्रेडिट कार्ड हैक हो जाते थे, अकाउंट्स हैक हो जाते थे, तो इसलिए होते थे कि वेबसाइट सिक्योर नहीं होती थी। तो वेबसाइट सिक्योर रहने की क्या गारंटी और वारंटी होती है कि आपका प्रोटोकॉल, इससे आपने देख लेना है। और इसको देखने का सिंबल क्या है? लॉक, वो आपको बता देते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज, जब कोई वेबसाइट ओपन होती है तो वेबसाइट में आप क्या क्या देते हो, उसके क्या क्या हिस्से होते हैं, इसे बोलते हैं URL। वेबसाइट, जब भी आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हो उसके ये पार्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब वही, दूसरा वेबसाइट का एड्रेस, इसका मतलब क्या है, वेबसाइट एड्रेस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये चार चीजें शामिल हैं, www,
वर्ल्ड वाइड वेब एक पेज है जो बना हुआ है, उसको एक्सेस करने जा रहे हैं। क्या नाम है जी जिस पेज को ओपन करना है? कंपनी का नाम आईसीटी टेस्ट ट्रेनिंग, उसकी डोमेन टाइप डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है या क्या है? यहां पर जब मैंने वेबसाइट ओपन की थी, जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है, और ये देखो ये प्रोटोकॉल नजर आ रहा है HTTPS और www, ये कॉमन एक आपकी वैल्यू है, ये अगर नहीं भी दोगे खैर है, अगर दे दोगे फिर भी कोई इतराज वाली बात नहीं, दोनों तरह एक्सेप्ट होती है, इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने टाइप किया, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। www इज ऑप्शनल वैल्यू, लेकिन दे दोगे ये सब में। जब आप वेबसाइट अपनी कॉन्फ़िगर करते हो ना डोमेन के ऊपर, उस वक्त आप बता देते हो कि www टाइप करना जरूरी है या नहीं है, इग्नोर कर दिया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो यूजर है, हमारा स्टूडेंट है, वो www भी टाइप कर रहा हो, वो https भी टाइप करो, कोई जरूरत नहीं होती, जस्ट कंपनी का नाम आईसीटी टेस्ट ट्रेनिंग, दैट्स इट, ओपन कर देगा। तो ये ऑप्शनल होती है। और ये वैसे एक चीज बताओ, इस पूरे एड्रेस को पता क्या बोलते हैं? URL। ये देख रहे हो HTTP, www, और कंपनी का एड्रेस पूरा क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? URL। URL के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये आपको बताया गया। पहला पार्ट क्या है? होस्ट हुआ है वेबसाइट कहीं पे? यस, www, वर्ल्ड वाइड वेब एक पढ़ा हुआ है, एक पेज पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उस पेज का, सॉरी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आईसीटी टेस्ट ट्रेनिंग। अच्छा, साइट क्या है? क्या कमर्शियल साइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट साइट है? आपको जी कमर्शियल साइट है, ऐसा ही है। हाँ, अगर हम लोग सिर्फ अपनी बाउंड्री सर्विसेज की सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रखना चाहें, तो हम जब डोमेन रजिस्टर करवाएंगे तो .pk का करवा देंगे। कंट्री कोड क्या? .pk। यहां पे .pk तो नहीं नजर आ रहा आपको, ऑप्शनल है ये, सिर्फ इसलिए होता है कंट्री कोड कि अगर सम टाइम्स उसने कहा है ना, एंड सम टाइम्स क्या, कंट्री कोड भी इसका हिस्सा होता है। तो इसमें आपने देखा प्रोटोकॉल, और आगे क्या, पाथ और फाइल का नाम। और आमतौर पर जो फाइल होती है, पहली जो पेज होता है वो इंडेक्स पेज होता है, और वो किस में राइट किया जाता है, लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज होती है HTML। अगर आपसे कोई आज के दिन के बाद कोई पूछे कि URL को थोड़ा सा डिफाइन करो, इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो जरा लिखो, हर पार्ट को अलग अलग आप डिफाइन करो, तो आपने अब इसको देखते हुए, अब इस टेक्स्ट को पहले आपने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया, डाइजेस्ट किया, मेमोराइज किया, और फिर आपने इसके तैयार करके फिर आपने इंशाल्लाह ताला पेपर में इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। अब आपको इसके बारे में पूछा, पार्ट वन तो बताओ ये है क्या, आओ ये प्रोटोकॉल है, पार्ट टू में ये आपका कंपनी का एड्रेस है, ये आपका पेज है, इसको आंसर आप इस तरह करोगे। प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम है, और ये फाइल का नाम है, आसानी से। और व्हाट इज मेंट बाय IP एड्रेस, आ गया ना क्वेश्चन अभी जो आप थोड़ा सा पढ़ रहे थे, तो ये है क्या, आईपी होता क्या है? फ्यू लाइंस में देख लो, आईपी एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफाई डिवाइस, नंबर वन एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस इज एलोकेटेड बाय होम ISP, कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ URL। और IP एड्रेस जो होता है वो IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6 हो सकता है, और IP एड्रेस है मीनिंग इट डज नॉट चेंज ईच टाइम इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, स्टैटिक जिसे बोलते हैं, एक डायनामिक भी होता है, और ये सारी इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया गया इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के साथ। ये आ गया ना, ये क्या डिफरेंस है जी HTTP और HTTPS में, एक सिक्योर है एक सिक्योर नहीं है, और ये पैडलॉक आपको इंडिकेट करता है। ये मैंने अभी आपको इसका स्क्रीन के ऊपर इसका दिखाया भी कि क्या फर्क होता है जी जनाब HTTP और HTTPS में। इसमें सिक्योर, अगर आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है, यू नीड ए प्रोटोकॉल लाइक HTTPS। अगर आप Amazon पे जाते हो, आप OLX पे जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो शॉपिंग करते वक्त आपने क्या करना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट को वहां पे सिलेक्ट करना होता है,
क्या आप चाहोगे कि जो प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मिस्टर कासिम देख रहे हूँ हैक करने के बाद, या मिस हफ्सा को भी पता लग रहा है मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जब बिलिंग करने जाता हूँ तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए। कभी भी आप ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाओगे जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक कर दे या वो किसी वजह से हैक हो जाए। तो इसको रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप अंडर दिस प्रोटोकॉल आ जाओ। इस प्रोटोकॉल का नाम बोलते हैं HTTPS, ठीक है। अगर आप इसमें देखो, ये असल में होता क्या है, रूल्स होते हैं दैट मस्ट बी ऑब्वियड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल अक्रॉस द इंटरनेट, व्हेन सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी अगर लगी हो, SSL और TLS। अच्छा, ये दो वर्ड्स यूज हुए, SSL TLS, इस चैप्टर के एंड पे इसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स कि वेब ब्राउजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे अगर आप गौर करो क्वेश्चन पेपर में, ये देखो वही TLS, ये वो, इसका मतलब आ रहा है क्वेश्चन। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 3 फंक्शन ऑफ ब्राउजर, ये देख लो इसको, इसी में से आपका आंसर निकलेगा। क्या फंक्शन होता है ब्राउजर का? ब्राउजर की जो फीचर होती है इसने सिंपल सा आपको एक स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट भी दिया, उसका एड्रेस वगैरह टाइप करते हो, डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 पेजेस को आप ओपन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट उसके टैब्स के अंदर। रिट्रीवल कैसे होती है पेजेस की, आप अपने ब्राउजर में बैठे हो, उनका सर्वर वर्ल्ड में कहाँ लगा है आपको क्या पता, आपने इसके साथ कनेक्ट कैसे होना है, यहाँ से वेबसाइट कैसे आएगी, उस लोकेशन से वेब पेज एक्सेस कैसे किया जाएगा, दरमियान में किसका क्या रोल है, डोमेन नेम सिस्टम थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, ये वही काम है। आईपी को रिजॉल्व करने का काम DNS का होता है। आईपी क्यों चाहिए होता है आपको, देखो अब ये आईपी उस सर्वर का है जहां पे आपकी उस मतलूबा वेबसाइट का कंटेंट पड़ा हुआ है। अब ये आईपी कितने की याद कर लोगे आप, हर एक कंपनी का डोमेन नेम याद करना तो आसान है, टेक्स्ट वर्जन उसका, आईपी वर्जन आप याद नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। अगर 100 वेबसाइट हैं क्या 100 आईपी याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है याद करना। हाँ, कंपनी के नाम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, नाम इजी होते हैं रिमेंबर करना, HBL है, UPL है, CNN है, दुनिया न्यूज है, जियो न्यूज है, मसला कोई नहीं, ये याद करना आसान। अगर मैं कहूँ उसकी जियो न्यूज की आईपी बताओ जहां पे उसका कॉन्टेंट पड़ा हुआ है सर्वर का, आप बोलो सर वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन अगर मैं आप पूछू जियो न्यूज की वेबसाइट का URL क्या है, आपको सर जियो न्यूज, मैं कहूँगा ICT ट्रेनिंग की वेबसाइट का एड्रेस, आप सर ICT-training.com, मैं कहूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या है, आप सर PUCIT.edu.pk, UET का क्या है, UET.. तो ये नाम याद करने आसान है, डोमेन नेम जिसे बोलते हैं, आईपी। लेकिन एक चीज याद रखना, जब ब्राउजर में आप नेम देते हो ब्राउजर को आईपी चाहिए, ब्राउजर नेम से नहीं चलता कंटेंट उसका, ब्राउजर को आईपी चाहिए। आईपी कौन देगा, ISP देगा। आपने क्यूरी की www.cnn.com, फौरन से पहले ये क्यूरी गई सर्वर के पास, ISP के पास, वहां पे DNS की सर्विस पड़ी हुई है, उसका काम है रिजॉल्व करना, नेम को पकड़ा, उसका रिस्पेक्टिव आईपी देखता है किधर पड़ा हुआ है, सर्वर को तलाश करता है, उसका आईपी देता है और आईपी को वो पास ऑन कर देता है ब्राउजर को, और आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो वर्ल्ड में उस सर्वर के साथ जिसके ऊपर उसके कंटेंट पड़ा हुआ है। ये काम सारे का सारा कौन कर रहा है, बिहाइंड द सीन DNS, और DNS किसकी प्रॉपर्टी है, हो सकता है आपकी कंपनी हो, बड़ी बिग साइज की कंपनी है और वहां पे कोई 1,000-2,000 लोग काम कर रहे हैं, आप वहां पे भी DNS सर्वर लगा सकते हो, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं करता DNS सर्वर। हम अपने घर पे काम कर रहे हैं, हम अफोर्ड तो थोड़ी करते हैं, हम अपना DNS सर्वर वहां पे लगा दें, नहीं, तो DNS की सर्विस कहां मिलेगी, ISP के पास।
अच्छा इस डायग्राम को समझ लो। ये डायग्राम मैं इसलिए समझा रहा हूं पहले, बिफोर अटेम्प्टिंग द थ्योरी मैं डायग्राम समझाना चाह रहा हूं। हमजा ने कभी नहीं देखा मैंने, ना ना कभी नहीं, कल तो अभी तक कभी नहीं का नहीं आए। क्या अच्छा ये देखिएगा, ये है वो सर्वर, ये वो सर्वर, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये है वो बंदा जो आप हो, यहां बैठे हो, यहां पे आप देते हो www.cnn.com। आप इंटरेस्टेड हो न्यूज वेबसाइट को ओपन करने में। अब ये cnn.com आपने जो दे दिया, अब ये जो वेबसाइट है यहां पे होस्ट हुई भी है, कंटेंट इधर पड़ा हुआ है इसका, वेबसाइट इधर होस्ट है। जब तक इसका आईपी नहीं मिलेगा आपकी वेबसाइट इधर नहीं ओपन होने वाली। अब आपको ये कैसे मिलेगा, जब आप यूआरएल देते हो ना, ये यूआरएल दिया, ये सबसे पहले जाता है अपने रिस्पेक्टिव डीएनएस के पास। अब आपको सर ये डीएनएस किधर होता है, मैं ये कह रहा हूं ये डीएनएस समझ लो आपका आईएसपी है, उसके पास होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पीटीसीएल है, वतीन है, वारिद है। यहां पे देखेगा क्या मेरे पास इस वेबसाइट का एड्रेस है। वो कहता है मेरे पास तो नहीं है, वो अपने साथ कनेक्टेड एक और डीएनएस सर्वर के पास उसको भेज देगा। उसके पास है, अगर उसके पास भी नहीं है तो एक चीज याद रखना, हमारे वर्ल्ड में ना 13 सर्वर पड़े हुए हैं। कितने? 13 सर्वर पड़े हुए हैं, सर हैं? नहीं बाकी हर सर्वर के आगे रेप्लिकास पड़े हुए हैं। 13 सर्वर जरूर हैं, उनके आगे रेप्लिकास पड़े हुए हैं। अगर आप उनको देखना चाहो, ये पड़े हुए हैं। और इसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल बॉडी एक इसको ऑर्गेनाइज करती है, देखती है, कुछ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कुछ बिग नेम्स हैं इसमें इन्वॉल्व। ayana.org के ऊपर ये सर्वर्स मैं आपको दिखाता हूं, ये इनको रिजॉल्व करता है। और लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, इस्लामाबाद पिंडी में भी हैं, ये पाकिस्तान में 3 डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। डीएनएस रूट सर्वर से बोलते हैं, डीएनएस रूट सर्वर। मैं जरा दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये रूट सर्वर्स, ये सर्वर्स ए बी सी डी एफ, ये 13 सर्वर हैं अब तक। इनको डिफरेंट जो ऑपरेशन ऑपरेटर हैं इनके, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वाले भी हैं, कुछ और भी हैं, नासा वाला भी एक ऑपरेट कर रहा है। तो ये डिफरेंट लोकेशन पे ये 13 सर्वर पड़े हुए हैं। लेकिन आपकी बात हुई कि सूर्य पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 13 सर्वर ही कर रहे हैं, नो, इसको फर्दर इसके रेप्लिकास पड़े होते हैं। रेप्लिकास देखने हैं ये रूट सर्वर्स वेबसाइट से। ये वो सर्वर्स हैं जो लोकेटेड हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान में, अगर आपने देखना है पाकिस्तान का मैप, देखो किधर है, दिस इज अ पाकिस्तान। ये सीरीज ए से लेके एम तक की ये लाहौर में आपको नजर आ रही है। लाहौर में, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये लाहौर है, कराची में भी होंगे। Yes.
चार यहाँ चल रहे हैं सर, इंस्टेंसेस देख रहे हैं चार। वो जो आप कह रहे थे ना सिर्फ ये 13, नहीं 13 नहीं, उनके अगर एप्लीकेशंस हैं इधर दो चल रहे हैं लाहौर में, और भी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ये आपको सर्वर्स अवेलेबल है। और इनका काम क्या होता है, रिजॉल्व करना डॉट कॉम के सर्वर क्या डाटा किधर किधर पड़ा है वहां जाएगा, फिर डॉट कॉम के ऊपर सीएनएन डॉट कॉम का किधर पड़ा है वहां जाएगा, और अल्टीमेटली रीच मिलेगी उसको इसकी, और ये फिर इंफॉर्मेशन वो इसको पास ऑन करेगा, ये इसको पास ऑन करेगा, और अल्टीमेटली ये आईपी मिल जाएगा, इसका आईपी मिल जाएगा, और आप कनेक्ट हो जाओगे। आप इसको फॉर ग्रांटेड ना समझो, बस मैं लिखता हूं आ जाता है, नो, बिहाइंड द सीन ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और ये थ्रू डीएनएस सर्वर आपके नेम को रिजॉल्व किया जाता है, और आपका आईपी पास ऑन होता है, फिर आप कनेक्ट होते हो इसके साथ डायरेक्टली ऐसे। ये देख रहे हो, ये कनेक्ट हो गया, पांचवें स्टेप में आप कनेक्ट हो गए। अगर आपने इसको थोड़ा सा समझा है, ये इसकी थ्योरी है, ये जितनी चीज बताई है इसको एक्सप्लेन कर दूं जल्दी जल्दी, अभी 5 मिनट है मेरे पास ताकि ये कंप्लीट हो जाए। किस तरह आपका वेब पेज ओपन होता है उस लोकेशन से, आमतौर पे पेज इस लैंग्वेज में लिखा जाता है, HTML में, कंटेंट ब्राउजर में शो होता है, ऑल वेबसाइट्स आर रिटन इन HTML एंड होस्टेड ऑन वेब सर्वर दैट हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस टू रिट्रीव पेज फ्रॉम ए वेबसाइट योर ब्राउजर नीड व्हाट, कौन करेगा, ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सिस्टम, इज सिस्टम फॉर फाइंडिंग फॉर ए डोमेन नेम गिवन इन यूआरएल, यूआरएल एंड डोमेन नेम सर्वर एलिमिनेट द नीड फॉर ए यूजर टू मेमोराइज द डीएनएस प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग ए इनटू एंड द कंप्यूटर कैन एड्रेस द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो कि ये कंप्यूटर को चाहिए। डीएनएस प्रोसेस इन्वॉल्व मोर देन वन सर्वर पे भी हो सकता है, डीएनएस वन, डीएनएस टू, रूटेड सर्वर, ठीक है। और डीएनएस सर्वर के पास क्या पड़ा होता है, डेटाबेस उन यूआरएल्स की विद इन दैट मैचिंग आईपी एड्रेस, एंड दैट्स हाउ ए वेब पेज कैन बी लोकेटेड एंड देन सेंड बैक टू द यूजर कंप्यूटर। डीएनएस प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। ये पूरे पैराग्राफ की समझ आई कि नहीं आई, आफ्टर एक्सप्लेनिंग डायग्राम, इसलिए मैंने पहले बता दी थी ताकि इसको वैसे समझाना शायद मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले क्या करते हो, स्टेप नंबर वन, यूजर क्या करता है, ये टाइप कर देता है, ब्राउजर क्या करता है, डीएनएस सर्वर के पास जाता है आईपी लेने, और अगर आपका डीएनएस सर्वर कांट फाइंड दिस लोकेशन आईपी डेटाबेस के अंदर, अपने कैश के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर, तो इसको सेंड आउट कर देता है टू सर्वर नंबर टू, फिर सर्वर नंबर टू को अगर मिल जाता है उसका मैप कर देता है आईपी और सेंड बैक टू द डीएनएस सर्वर वन दैट पुट्स आईपी एड्रेस एंड एसोसिएटेड यूआरएल इन इट्स कैश वैल्यू, दिस आईपी इज देन सेंड बैक टू द यूजर कंप्यूटर, द कंप्यूटर नाउ सेट अप ए कम्युनिकेशन विद द वेबसाइट सर्वर एंड द रिक्वायर्ड पेजेस आर डाउनलोडेड, HTML files are sent from the website server to the computer. The browser interprets the HTML, which is used to structure content and then display the information. Clear? ये ब्राउजर के फीचर बताई गई है कि ये होता है, ठीक है, यहां तक ओके है। कुकीज टाइम है, है? कल के दिन है, हो जाए चले कल कुकीज, और फिर ये सेकंड पार्ट आ जाएगा डिजिटल करेंसी, ब्लॉक चेनिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर साइबर सिक्योरिटी आ गया, ये वो पार्ट्स, ये वो सारे थ्रेड्स हैं जो आपको और मुझे हैं, फिशिंग का थ्रेट है, मैलवेयरिंग का थ्रेट है, हैकिंग का थ्रेट है, डिनायल ऑफ सर्विस का थ्रेट है, इंटरसेप्शन का थ्रेट है, ब्रूट फोर्स अटैक का थ्रेट है, फार्मिंग का थ्रेट है, सोशल इंजीनियरिंग का थ्रेट है, इनको डिस्कस किया जा रहा है एक एक करके सबको,
आप एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको इन थ्रेट्स का पता होना चाहिए, ये डिस्कस किए जा रहे हैं। और जब ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर ये सारा क्लियर करने के बाद ये चैप्टर अपने फाइनल एंडिंग स्टेज पे आएगा और इसमें ये वो इनसिक्योरिटी थ्रेट्स से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इसे प्रीवियस टॉपिक में क्या था कि कौन कौन से थ्रेट हैं, अब इसमें क्या किया जाएगा, इससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है।